हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर। और मैं हूं आपका जनरल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस के एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ के एपिसोड नंबर 3 की। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या जनरल स्टडीज़ के एपिसोड नंबर 3 का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया, भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, ब्लैक, एलुवियल, रेड या लैटेराइट। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है वो है एलुवियल सॉइल। आंसर नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा। और इसके पीछे भी रीज़न बता देता हूँ। एलुवियल सॉइल वो सॉइल है जो नदियों द्वारा, हिमालय की नदियों द्वारा ला करके मैदानों में जमाई गई मिट्टी है। यानी खादर, बांगर, तराई, भाभर, डिफरेंट डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं एलुवियल सॉइल के, जलोढ़ मिट्टी के, जो कि आपको सुनने में मिलते हैं। और यहाँ पर आप इमेज में क्लियरली देख सकते हो कि भारत में 8 तरह की मिट्टियाँ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने बताई हैं। उनमें से एक है एलुवियल जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है ब्लैक काली मिट्टी, तीसरी है रेड जिसे लाल मिट्टी कहते हैं, चौथी है लैटराइट मिट्टी, पांचवी है एरिड सॉइल जिसे बंजर जमीन कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं, छठी है माउंटेन सॉइल जिसे पर्वतीय मृदा कहते हैं, सेलाइन या एल्कलाइन सॉइल जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है पानी लगाने की वजह से उन तत्वों की, जिन तत्वों कि कैपिलरी एक्शन की वजह से उसमें कैल्शियम ऊपर की तरफ आ जाता है। और ये एल्कलाइन में बहुत ज़्यादा पानी आपको लगाना पड़ता है तब जाकर के आपकी फसल की उपज होती है। और पीटी या मार्शी सॉइल वो है जब नदियाँ लास्ट में समंदर से मिल रही होती हैं, मुहानों की या एस्चुरी की, या उसके अलावा डेल्टा की बात करें वहाँ पर नदियों द्वारा सारा का सारा ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ डिपॉजिट कर दिया जाता है और उस डिपॉजिट के आसपास की मिट्टी पीटी सॉइल कहलाती है। तो चलिए जल्दी से मैप को पढ़ना शुरू करते हैं। मैप में आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर ग्रीन कलर बता रहा है फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल को। ऊपर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का भाग आप देख सकते हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर का हिस्सा। उसके अलावा जो आपको दूसरा कलर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो है पिंक कलर, जो कि लाइन लाइन है, हैच्ड है। ये रेड और येलो सॉइल है। रेड और येलो सॉइल आंध्र प्रदेश, उसके अलावा उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे तमिलनाडु और कर्नाटका एवं केरला में फैली हुई सॉइल है। देन तीसरा जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है वो एलुवियल सॉइल का हिस्सा, जो कि ऊपर हैच्ड ग्रीन के नीचे के हिस्से में है। और हैच ग्रीन के नीचे का जो हिस्सा है, नेपाल के नीचे का हिस्सा आप देख पा रहे हो, मैं जूम करता हूँ एक बार, ये देखिए भारत में जो गंगा के मैदान हैं, वो गंगा के मैदान जिनकी हम बात कर रहे हैं, भारत में ये जो गंगा के मैदान हैं ये एलुवियल सॉइल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है जहाँ पर किसी भी फसल को बढ़िया तरीके से उगाया जा सकता है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, मानसून इज़ कॉज्ड बाय, मानसून का कारण क्या है। तो मानसून का कारण सबसे पहले तो ये कि प्रेशर डिफरेंस, आंसर हो जाएगा आपका प्रेशर डिफरेंस, नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। और प्रेशर डिफरेंस से ऐसा होता क्या है, चलिए आगे पढ़ करके देखते हैं। जब भी आप यहाँ पर समर सीज़न और विंटर सीज़न का कंपैरिजन करते हैं तो अब इसमें पॉइंट हमें समझना है बड़े अच्छे तरीके से कि जो विंटर सीज़न है, इस विंटर सीज़न में यहाँ पर आप देख पा रहे हो ईज़ली कि जो जल वाला भाग है वो जल वाला भाग थल वाले भाग की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होता है। तो सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा गर्म होगा वो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगी और उसे भरने के लिए कहीं ना कहीं से ठंडी हवा आएगी। तो आप ये डायरेक्शन भी देख सकते हो, जो कि फिगर में भी डायरेक्शन दिखाया गया है कि इस डायग्राम में डायरेक्शन हमेशा पृथ्वी की तरफ से समुद्र की तरफ चलने का है और समुद्र के ऊपर बादल बनेंगे और वहीं पर बारिश होगी। इसी का जस्ट उल्टा आप देख सकते हो ऊपर की तरफ समर सीज़न में, जहाँ पर लैंड सरफेस यानी कि हमारी ज़मीनी सतह ज़्यादा गर्म होती है और उसकी अपेक्षाकृत जो हमारा महासागरीय सतह है, महासागरीय पानी है, वो कम गर्म होता है। इसलिए यहाँ ज़्यादा गर्म एरिया की हवा ऊपर की ओर उठती है और इसे भरने के लिए समुद्र की तरफ से हवा आती है और बार बार ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहता है और ये सिस्टम बाद में बारिश कराता है। हाउएवर, इस सिस्टम को समझने में हमें ये समझना ज़रूरी है कि खेल पूरा का पूरा प्रेशर का है। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पर हवा ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगी क्योंकि हवा भी गर्म होगी और वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, एक ऐसी जगह का कम दाब वाला क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा दाब वाले क्षेत्र से हवा आकर के उसे भरने की कोशिश करती है।
और इसी कोशिश में बार बार वो नमी वाली हवाएं ऊपर उठती रहती हैं और बाद में बादल बन करके बारिश होती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हाउएवर मॉनसून इज़ द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बताता है कि मॉनसून है क्या। अच्छा, इसके अलावा मॉनसून शब्द अरेबिक भाषा से लिया गया है। अरेबिक भाषा में एक शब्द होता है जिसे कहते हैं मौसिम। तो ये भी याद रखिएगा कि ये मौसिम शब्द अरब शब्द है, अरबी भाषा से लिया गया शब्द है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। टू विच काइंड ऑफ रॉक्स डज मार्बल बिलोंग। संगमरमर किस तरह की चट्टान है। तो सबसे पहले ये समझो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होती क्या हैं। देखें, इग्नियस रॉक्स आग्नेय शैलें, वोल्केनिक रॉक्स ज्वालामुखी शैलें, सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी शैलें या मेटामॉर्फिक कायापलट शैलें। कायापलट या इसी को कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। देखो, सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हीट और टेम्परेचर के अंदर, जब भी इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय शैलें बहुत ज़्यादा तापमान और दाब के अंदर रह जाती हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल में क्लियरली देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, जैसे एंथ्रासाइट, नीस, कोंडोलाइट, मार्बल ब्लैक, मार्बल ग्रीन, मार्बल पिंक, मार्बल वाइट। ये डिफरेंट डिफरेंट जो मार्बल्स हैं ये सब बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक बनती है हीट और टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा होने की वजह से। इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, कायांतरित चट्टानें हैं, कायांतरित शैल कहते हैं इसे हिंदी में, कायांतरित शैलों के आप एग्जांपल देख सकते हो। इवन ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइगर आई किस तरह की रॉक है या क्वार्टजाइट वाइट किस तरह की रॉक है। होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बाई विच नेम डज द ब्रह्मपुत्र एंटर इंटू इंडिया। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की कहानी तो बिल्कुल अलग ही है। इसका आंसर है नंबर 3, दिहांग। और इसके अलावा अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से ये नदी ऊपर से नीचे की तरफ आती है। सबसे पहले जहाँ से ये निकलती है, जहाँ पर इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में, तिब्बत में अंगशाई ग्लेशियर, और वहाँ से कुछ नदियाँ मिल करके 3 नदियाँ लगभग इस नदी को बनाती हैं। और चाइना में इस नदी को जाना जाता है यरलैंग जेंगबो के नाम से। आप देख पा रहे होंगे, इसे हम लोग जूम करके इमेज को देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली। ये जो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है यरलैंग जेंगबो, ये चाइना में कहा जाता है। ये सेंगपो इसका तिब्बत में नाम है। और इसी तरह से ये धीरे धीरे आ करके आगे की तरफ बढ़ती है। आप जैसे ही इसे ट्रेस करना शुरू करते हो, ये लगभग अरुणाचल प्रदेश के ऊपर के हिस्से चीन में जब पहुंचती है तो पूरी तरह से यू टर्न लेती है। और यू टर्न लेने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में जब घुसती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश के बाद जब ये असम में बहती है तो इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। और असम से बहने के बाद जब ये फाइनली बांग्लादेश में घुसती है तो इसका नाम है जमुना। और गंगा जो कि भारत की तरफ से आती है, बांग्लादेश में घुसती है, उसका नाम है पद्मा। और जमुना और पद्मा ये दोनों मिलती हैं, तो ये दोनों मिल करके यहाँ पर बनाती हैं मेघना नदी। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर सुबनसिरी, लोहित, दिबांग, मानस जितने भी ऑप्शंस दिए हुए थे ये सभी के सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ यानी कि ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है। और इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर है, शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहते हैं, शुक्र को इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और इसके पीछे रीज़न आप देख सकते हो, ये सबसे पहली वाली लेफ्ट साइड की इमेज जब आप देखते हैं इस चित्र में आपको ये समझ में आता है कि अंदर की तरफ है सूर्य, सबसे बाहर की तरफ ग्रीन कलर से है पृथ्वी जिसमें ई लिखा हुआ है, और जो अंदर का पूरा ऑर्बिट कक्षा है वो बताता है वीनस के कक्ष के बारे में। अब वीनस जिस तरह से घूमता है उसी तरह से ऑर्बिट अर्थ का भी है, लेकिन याद रखिए कि अर्थ के ऑर्बिट के ऑपोजिट वीनस का ऑर्बिट है। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि ये बताइए कि वीनस क्लॉकवाइज है अपने कक्ष में या एंटी क्लॉकवाइज है अपनी कक्षा में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब देखिए, वीनस जो प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट जब सूर्य के सामने होता है उस टाइम पर हमें नहीं दिख रहा होता, लेकिन सूर्य की ही प्रकाश की किरण जब वीनस पे पड़ती है
शाम के समय जब हमें बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है तो वो इवनिंग स्टार कहलाता है, और सुबह के समय जब वो हमें बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है तो मॉर्निंग स्टार कहलाता है। इसके अलावा एक फैक्ट और है वीनस के बारे में, वो ये कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज़ लगभग बराबर है पृथ्वी के, थोड़ा सा ही फ़र्क है, कुछ लगभग 500 किलोमीटर के आसपास डायमीटर का ही फ़र्क है, बाकी तो पूरा का पूरा ये पृथ्वी के बराबर ही है। लेकिन एक और कारण कि ये इतना ज़्यादा चमकीला क्यों है और शुक्र ग्रह को सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कार्बन है इसका कारण, और वो कार्बन डाइऑक्साइड आप देख सकते हैं 96.5%, यानी ऑलमोस्ट ये समझिए कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ही एटमॉस्फियर है, और इन दोनों का जो वायुमंडल है इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि इसकी सतह बहुत ज़्यादा चमकीली हो जाती है, और हमें लगता है कि याद रखिए कि ये जो शुक्र है ये बहुत ही ज़्यादा चमकीला है। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं हम लोग हिस्ट्री के एक क्वेश्चन पर कि द संस्कृत ड्रामा विच ट्रायम्फ ओवर नंद इज, नंद वंश पर विजय प्राप्ति पर लिखा गया संस्कृत नाटक कौन सा है, और इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर है मुद्रक राक्षस, ये नंबर 2, और इसे लिखा किसने है, विशाखा दत्त, ये भी याद रखना, विशाखा दत्त ने लिखा है इसे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा धनानंद को हराए जाने की कहानी है बेसिकली। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि जब नंदवंश की स्थापना हुई थी और नंदवंश की स्थापना के समय जब अंतिम शिशुनाग वंश के राजा को महापद्मनंद ने मारा था तो महापद्मनंद एक बहुत ही एबनॉर्मल पर्सनालिटी था। इसके बारे में कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि इसकी हाइट 9 फीट से भी ज़्यादा थी और लगभग ये हाथी के बराबर लंच खाता था, पर पता नहीं इन लोक श्रुतियों में कितनी ज़्यादा सच्चाई है या नहीं है। बट एक चीज़ तो आप कह सकते हैं कि महापद्मनंद ने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी, और उस बहुत बड़ी आर्मी के बनने की वजह से आप देख सकते हो महापद्मनंद को कहा जाता था द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियाज, क्योंकि इसने उस समय पर जितने भी महाजनपद थे उन महाजनपदों में से मैक्सिमम बड़े महाजनपदों को हराया था, जिनमें से पांचाल, काशी, हय्य, जो असम, अस्मका, कुरु, मिथिला, सुरुसेन, जितने भी थे उन सभी को हराया, इवन कलिंग को भी जीता। बट वहीं अगर आप देखेंगे कि इसके पुत्र धनानंद की क्या अचीवमेंट है, तो धनानंद वॉज वेरी अनपॉपुलर किंग बिकॉज ऑफ फिनेंशियल एक्सटॉर्शन, सुरा और शराब का सेवन इसके यहाँ चलता ही रहता था। इवन वो कहानी जब आप सुनते हैं कि चाणक्य ने गुहार लगाई थी इस राजा के यहाँ जाकर कि सिकंदर का आक्रमण होने वाला है, भारत को संभालिए, उस समय पर इसने सुरा और शराब का सेवन करते हुए ये कह दिया था कि भारत सुरक्षित है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप हमारा एंटरटेनमेंट ख़राब मत करिए, और यही कहानी बाद में ले जा करके चंद्रगुप्त मौर्य का कोरोनेशन करवाती है। ये देखिए, इसके पिता द्वारा दी गई आर्मी, ही हैज़ अ ह्यूज आर्मी, ह्यूज बहुत बड़ी आर्मी थी। एक ग्रीक लेखक हैं जिनका नाम है कर्टियस, यूनानी लेखक, उन्होंने बताया है कि धनानंद के पास 2 लाख की इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, 20,000 की कैवलरी यानी अश्वरोही सेना, 2,000 वॉर चैरियट्स जिसे कहा जाता है युद्ध के रथ, और 3,000 वॉर एलिफेंट्स यानी 3,000 युद्ध के हाथी। ये छोटी मोटी सेना नहीं है। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं कि द रूलर्स ऑफ अ डायनेस्टी ऑफ द डेक्कन हु वर सपोज टू बी ब्राह्मण्स एंड स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ ब्राह्मणिज्म वर। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश था जिन्हें ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का कट्टर समर्थक माना जाता है? याद रखिए, सबसे पहले इसका सही आंसर है सातवाहन। और सातवाहनों को क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों को भूमिदान देने की परंपरा शुरू की थी, जिसे ब्रह्मदेय या अग्रहार कहा जाता था। और इसके अलावा इसमें बहुत बहुत प्रतापी राजा हुए हैं, जिन प्रतापी राजाओं के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, जैसे गौतमीपुत्र सत्कर्णी, सत्कर्णी प्रथम, हॉल, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ऐसे महान महान राजा हैं जिन्होंने इस वंश को सींचा है। एक एग्जाम्पल जो आपके सामने इस इमेज के फॉर्म में मौजूद है आप देख सकते हैं, ये है सातवाहन एम्पायर, जहाँ पर आप देख रहे हो पूरा ग्रीन कलर्ड ये एम्पायर है, और इस ग्रीन कलर्ड एम्पायर में एक तरफ राइट हैंड साइड पे है कलिंग, नीचे जो हमारी संगम डायनेस्टी थी जिसमें चोल, चेर, पंड्या ये तीनों मौजूद थे, और इसके अलावा ऊपर की तरफ है क्षत्रप्स।
जितने भी हैं। और याद रखिए सातवाहनों के जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो उनके समकालीन हैं, समकालीन अगर आप देखो हिंदू कुश माउंटेन से लेकर के नॉर्थ इंडिया में कुषाण और साउथ इंडिया में सातवाहन, ये अपने अपने समय के उत्कर्ष पर रहे राजा हैं, चरम पर रहे राजा हैं। आपको आगे बढ़ करके अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी द प्रॉब्लम दैट एक्सरसाइज्ड एंड इवोक्ड द रिफॉर्मिस्ट्स इन द 19th सेंचुरी टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट रिलेटेड टू, किस समस्या ने सुधारवादियों को 19वीं सदी में जागृत किया था। और इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल आप देख सकते हो 19वीं सदी में सबसे पहले जो समाज सुधारक थे, जिन्होंने नारी समाज में सबसे ज़्यादा सुधार करने की बात कही थी महिलाओं के मुद्दों पर, वो थे राजा राममोहन रॉय। सती प्रथा, बाल विवाह जिसमें नारियों का शोषण किया जाता था ऐसा कहा जा रहा था इतिहास के रूप में, तो उन सभी कुरीतियों से समाज को मुक्त दिलाने का कार्य किया है, महिलाओं के मुद्दों को बेहतर बनाने का कार्य किया है राजा राममोहन रॉय ने। एंड उसके बाद आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती और इन सभी लोगों ने मिलकर के धीरे धीरे भारत में उस समय पर महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारा, यानी उनके सोशल स्टेटस को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। और इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, द सिस्टम ऑफ डायर्की, द्वैत शासन प्रणाली जिसे कहते हैं, द्वैत शासन प्रणाली थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट में। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे कि क्या था 1921 में बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और केंद्रीय प्रांत जिसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं, संयुक्त प्रांत, केंद्रीय प्रांत, मध्य प्रदेश यानी MP, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और असम, 1932 धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी पहुंचा, इन सभी पर डायर्की यानी द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। द्वैत शासन प्रणाली आपको पढ़ने को मिलता है इसी एक्ट में। इतनी सारी जो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट में, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है भारत सरकार का अधिनियम 1919। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, इस स्लाइड को आप देख सकते हो, उसमें सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इस एक्ट के तहत तो पब्लिक सर्विस कमीशन भी इंडिया में पहली बार लाया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि द फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कब किया गया। ये बात है जब भारत में अगस्त प्रस्ताव और इतने अलग अलग तरीके के जो क्रिप्स मिशन टाइप के ऑफर्स इंडियंस को दिए जा रहे थे ताकि इंडियंस ब्रिटेन के गुलाम बने रहें, उन ऑफर्स को रिजेक्ट किया सभी लोगों ने मिलकर के। और महात्मा गांधी, ये आप देख सकते हैं एक फ़ोटो आपके राइट हैंड साइड पर है जहां पर महात्मा गांधी नेहरू जी के साथ बैठे हुए हैं, और गांधी जी और नेहरू जी जो कि इस पूरे मूवमेंट के प्राइम नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी, ये प्राइम नेताओं ने मिलकर के भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। आप देख सकते हैं कितना पब्लिक इकट्ठा हुई 8 अगस्त 1942 को, इंडिया ने क्विट इंडिया मूवमेंट को रेजोल्यूशन के रूप में पास किया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इसको अप्रूव किया। और ये सेशन हुआ था बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में, जिसे अब क्रांति मैदान भी कहा जाता है, अगस्त क्रांति मैदान। तो आपको आगे बढ़ करके अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी केंद्रीकृत शासन प्रणाली कहाँ से आई। इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एडवांस करके बता देता हूँ कि कहानी क्या थी। बंगाल की बात है, ये बंगाल की बात है 1765 से लेकर के 1772 तक की। 1765 से 1772 तक बंगाल में जो राजा था वो सिर्फ नाम मात्र का ही एक राजा था, जिसका नाम था, या राजा उसे आप नवाब कहें, नवाब निज़ामुद्दौला, जो कि मीर जाफ़र का बेटा था, वही मीर जाफ़र जिसने नवाब सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी 1757 में धोखा दिया था। निज़ामुद्दौला पूरी तरह से कठपुतली राजा था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स और उस समय के जो बंगाल में फोर्ट विलियम के गवर्नर होते थे उन गवर्नरों के इशारों पर नाचता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स और उसके साथ साथ रेवेन्यू राइट्स यानी दीवानी और निज़ामत, इन दोनों अधिकार को अपने अंडर में ले लिया था। इसकी वजह से आगे चल के 1772 में जब बंगाल से उस नवाब को मार करके भगा दिया गया
निज़ामुद्दौला के पद को ख़त्म कर दिया गया, उस समय पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया जिसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा उसे। पहले वो फोर्ट विलियम के गवर्नर होते थे, बाद में उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा, और साथ ही साथ ये भी कहा कि ही विल बी कमांडिंग एज द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल ब्रिटिश कंट्रोल्ड टेरिटरी ओवर इंडिया, यानी भारत में जितनी भी अंग्रेजों द्वारा शासित जगहें हैं उन सभी का इसे गवर्नर जनरल माना जाएगा। तो ये है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन मतलब कि शक्तियों का सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होना, जहाँ पर वो व्यक्ति पूरे बंगाल और भारत में जितनी भी अंग्रेजी प्रशासित जगहें हैं उन सभी को नियंत्रित कर रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये देख सकते हैं कि फिनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कंपनी स्पेशली ड्यू टू द लॉस ऑफ टी सेल्स टू अमेरिका सिंस 1768 द कंपनी ओड मनी टू बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे फिर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक क्वेश्चन पर जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस सिंपल से क्वेश्चन का बस आंसर जान लो आप लोग। अकॉर्डिंग टू द बलवंत राय मेहता कमेटी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधिकारी होना चाहिए, ही शुड बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। ऐसा कहा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने कि ही एक कलेक्टर को जिला परिषद का चेयरमैन होना चाहिए, बट उसके बाद ऐसा कुछ है नहीं जिला परिषद का चेयरमैन। आप बताइए मुझे कि जिला परिषद का चेयरमैन क्या कलेक्टर होता है? ये नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय, एक नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा बनाई जा सकती है? देखिए याद रखिए यहाँ पर शब्द लिखा है क्रिएटेड बाय, और इसका सही आंसर है नंबर वन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद का एक अधिनियम बनेगा और उस अधिनियम द्वारा कोई भी ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जा सकेगी। हाउएवर ये याद रखिएगा आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो राज्यसभा को स्पेशल पावर देता है कि राज्यसभा इस तरह का कोई भी प्रपोजल प्रस्ताव रिजोल्यूशन लेकर के आए जिस रिजोल्यूशन के अंदर ऑल इंडिया सर्विस को इंट्रोड्यूस करने की उसे शुरू करने की बात कही गई हो, 2/3 सदस्य जो कि वोट करते हैं इन सदस्यों की मेजॉरिटी चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी के बाद वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है और उसके बाद फिर पार्लियामेंट उस पर कानून बनाती है और जब कानून बनती है तब वो एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा और ऑल इंडिया सर्विस की शुरुआत होगी। इसलिए नंबर वन इज़ द राइट आंसर, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन क्रिएट द ऑल इंडिया सर्विस। और यहीं पर अगर क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूँ, अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय, कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है इसके बारे में या उसके रेजोल्यूशन को कौन लेकर के आ सकता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3 राज्यसभा का प्रस्ताव। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में निम्नलिखित रिट में से कौन से रिट विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई है? और इसका सही आंसर है इंजंक्शन नंबर 3। इंजंक्शन कोई रिट नहीं है, प्रोहिबिशन है, मैंडमस है, कोवारंटो है। रिट के ऊपर हम जरूर आपसे डिस्कशन करेंगे लेकिन रिट ये समझिए कि जब भी किसी मानव के मानवाधिकार का हनन हो, इफ देर इज एनी केस ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ ह्यूमन देन सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट बॉडी दैट कैन कंजर्व द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन। भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार संरक्षित करने वाली सबसे बड़ी बॉडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट इशू करते हैं और रिट में आदेश होता है कि इस व्यक्ति को यहाँ पर हाजिर किया जाए जो भी है। खैर सुप्रीम कोर्ट जो आदेश जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन पर ही आदेश जारी कर सकते हैं, रिट वहाँ पर होती दाखिल होती हैं, लेकिन हाई कोर्ट अदर सब्जेक्ट पे भी रिट दाखिल कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 226 में संवैधानिक रूप से ये कहा गया कि हाई कोर्ट रिट के मामले में रिफ्यूज भी कर सकता है अगर कोई रिट दाखिल की जाए तो, बल्कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जो एरिया है वो पूरे इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया, और हाई कोर्ट का जो एरिया होगा रिट इशू करने का वो सिर्फ एक पर्टिकुलर उसी प्रदेश में होगा जिस प्रदेश का वो हाई कोर्ट है या जिस प्रदेश की भी एक अलग से एडिशनल चार्ज उसके पास है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर, राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? और इसका सही आंसर है 1/6। याद रखिएगा
आंसर नंबर टू इज़ द राइट आंसर। 16 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आते हैं। डिफरेंट फील्ड्स यानी लिटरेचर से भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स से भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हो सकते हैं। आप उन फील्ड के नाम जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें देखना चाहूँगा कि आप लोगों को पता है या नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में यानी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का भी डिस्कशन कर लें। अनएम्प्लॉयमेंट जो है डेवलपिंग कंट्री में वो क्यों होता है और इसका सबसे खतरनाक कारण है लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के पूरक कारकों की कमी। यानी जो भी उत्पादन आपने करना है उसके लिए रॉ मटेरियल, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स यानी कि रॉ मटेरियल की सप्लाई कहाँ से हो रही है और इसके अलावा उसमें पैकेजिंग के लिए मटेरियल कहाँ से आ रहा है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, एवरीथिंग काउंट्स, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। की उत्पादन के पूरक कारकों की कमी अगर होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण नंबर टू भी है, वो नंबर टू जैसे लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अगर डिमांड कम होगी तो सिंपल सी बात है प्रोडक्शन कम होगा, और अगर प्रोडक्शन कम होगा तो सिंपल सी बात है डिमांड कम होगी। लेकिन भारत जैसी पॉपुलस कंट्री, भारत जैसी जनसंख्या वाला देश इतना ज़्यादा अपने अंदर जनसंख्या रखता है कि यहाँ पर प्रभावी मांग की कमी तो कभी हो ही नहीं सकती। इफ़ देर इज़ नो लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड देर शुड बी नो lack in production, and if there is no lack in production then definitely there will be no lack in the employment. आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू, चक्रीय बेरोजगारी क्या है। तो चक्रीय बेरोजगारी एक व्यापार चक्र के मंदी के चरण के दौरान बेरोजगारी होती है, और इसका आंसर जो है, इसका आंसर आप देखिए आंसर नंबर 4। कोई भी व्यापार अगर किसी देश के साथ चल रहा है, कोई भी व्यापार अगर किसी एक कंपनी का दूसरों के साथ चल रहा है, उस व्यापार में अगर मंदी आ गई तो जो बेरोजगारी होगी वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, चक्रीय बेरोजगारी। और ट्रेड एक ऐसा बैलेंस है जो बैलेंस कभी बहुत अच्छा भी होता है और कभी वो बिगड़ता भी है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर आ गया होगा। चक्रीय बेरोजगारी के अलावा इसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी की बात की गई है। मौसमी बेरोजगारी तो सिंपल है, जैसे मान लीजिए कि आम का सीज़न है और आम के सीज़न में किसान आम उगाते हैं और वो बेचते हैं, बाद में वो अब ठंडियों में तो आम उगा नहीं सकते, तो सिंपल सी बात है उनका जो सीज़न है वो सिर्फ गर्मियों में होगा, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। इसी तरह से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, जहाँ लोग ज़्यादा हों लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम हो। सपोज़ एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हों, मान लीजिए खेती करने की ही बात है जिसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। सपोज़ एक व्यक्ति के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो वो आराम से खेती कर रहा है और उसका गुजर बसर हो रहा है। अगर उसी व्यक्ति के 10 बेटे हो जाएं तो 10 बेटों के पास वो एक एकड़ ज़मीन बंट जाएगी, तो एक व्यक्ति के लिए एक एकड़ कम पड़ जाएगा। वहीं एक व्यक्ति के लिए 10 एकड़ गुजर बसर और उसके साथ साथ कमाने के लिए भी अच्छा था, लेकिन इसके बाद अगर उनमें 10 जो हुए हैं उनमें से भी एक का 10 हो जाए तो वो एक एकड़ 10 लोगों में बट जाएगा और वहाँ पर काम करने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी जब 10 एकड़ में एक इंसान काम कर सकता है तो एक एकड़ में एक कर रहा है और उसके बाद फिर एक एकड़ में 10 कर रहे हैं। दैट विल बी द काइंड ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कोई बंदा जॉब ही ना करना चाहे, अगर कोई इंसान जॉब ही नहीं करना चाहता तो फिर वो बेरोजगारी है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक किसी विशेष कला में माहिर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मान लीजिए किसी ने BSc किया जो कि एक सिंपल किसी स्कूल में जा कर के पढ़ा भी सकता है, पर उसे लगता है कि नहीं मुझे किसी कॉलेज में ही पढ़ाना चाहिए और मैं MSc करके एंड देन उसके बाद किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके कॉलेज में पढ़ाऊँगा, तो टिल द टाइम उसके पास ऑफ़र है वो पढ़ाना नहीं चाहता, या उसके पास अभी प्रिपरेशन करने का जो फेज़ है वो फेज़ चल रहा है उसका, तो ये वहाँ पर वॉलेंटरली वो जॉब नहीं करना चाहता, इसलिए इसे कहते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच कमेटी रिकमेंडेशंस आर बीइंग फॉलोड बाय एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस समिति की सिफारिशों का पालन किया जाता है, और इसका सही आंसर है रंगराजन कमेटी। याद रखिएगा लड़का वाला कमेटी ने ये कहा था कि 205 रुपये जो गाँव में कमाते हैं प्रति माह और 281 रुपये जो शहर में कमाते हैं प्रति माह, ये लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं या इससे कम कमाने वाले गरीबी रेखा के नीचे कहे जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जब रंगराजन कमेटी आई तो रंगराजन कमेटी ने गांव में 972 रुपये मासिक एवं 1407 रुपये शहरों में मासिक ये इनकम बना दी। 1407 रुपीज़ इन सिटीज़ और 972 रुपीज़, 972 रुपीज़ इन विलेजेस। ये अब नया
जो मानक है वो तय किया है रंगराजन समिति ने। होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर इट्स, एक कंपनी के डिबेंचर धारक क्या होते हैं? डिबेंचर धारक तो होते हैं क्रेडिटर्स, याद रखिए। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर एक कोई कंपनी है जिसका नाम मैंने लिख दिया एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, इसने एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया 50 लाख रुपए का, और वो 50 लाख रुपए का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि सामने वाला व्यक्ति जो भी इसे 50 लाख में खरीदेगा वो हमारी कंपनी में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें उसको नॉर्मली हर 6 महीने में कुछ परसेंटेज ऑफ ब्याज मिलेगा जो कि सालाना फिक्स होगा। सपोज़ अगर सालाना फिक्स किया गया है 5%, तो इसका मतलब 2.5% ब्याज टोटल 50 लाख का वो हर 6 महीने में रिसीव करेगा। हाउएवर ये टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद, जिस भी टाइम पीरियड के बाद डिबेंचर को वापस खरीद लिया जाता है, तो जो इंटरेस्ट वो इंसान पाएगा वही इंटरेस्ट उसकी इनकम होगी। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो इस तरह से कोई भी डिबेंचर खरीदने वाला इंसान क्रेडिटर होता है किसी कंपनी का, ना तो वो शेयर होल्डर होता है। डेटर तो खुद ये कंपनी है जो पैसे ले रही है, और देन उसके अलावा बाकी डायरेक्टर्स और निदेशक तो हो ही नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। वो ये है कि नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रिफाइनेंस टू, नाबार्ड बैंक इनमें से किसे पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता? और इसका सीधा सिंपल आंसर है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय निर्यात आयात बैंक जो है इसे नहीं करता। क्योंकि सिंपल सी बात है, नाबार्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को देता है, वैसे कमर्शियल बैंकों के थ्रू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए पैसे दिए जाते हैं तो वो नाबार्ड के थ्रू। रीजनल रूरल बैंक्स को तो नाबार्ड फाइनेंस करता ही है, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनको भी नाबार्ड पैसे देता है ताकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ चलें। लेकिन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे एक्जिम कहा जाता है, वो है। एक्जिम बैंक ऑलरेडी मौजूद है, जो कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जितनी भी फंडिंग्स हैं वो सब एक्जिम बैंक से आती हैं। याद रखिएगा, नाम लिख रहा हूँ मैं, EXIM, एक्जिम बैंक। जल्दी से बताना मुझे ये कब स्थापित किया गया और इसके करंट चेयरमैन कौन है। हाँ, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, बेस्ड ऑन नाबार्ड एक्ट 1981। एंड इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर्स यानी इसका हेड ऑफिस है मुंबई में, और इसके करंट चेयरमैन है मिस्टर हर्ष कुमार भानवाला। इतना पॉइंट क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ करके आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं मैं। थैंक यू सो मच आप ये लेक्चर सुनते हो, और इसके अलावा आप साइंस का लेक्चर देखो। साइंस के लेक्चर में लास्ट में मेरा जो सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल है वो भी शेयर की हुई है मैंने, आप मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट भी हों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।